हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना सारा समय हमारा ये फालतू के काम में व्यतीत हो जाता है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये खाली डिब्बे होते हैं जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, या हम कुछ सामान भरकर डिब्बों में रख देते हैं। तो आप एक प्लास्टिक का इस तरह से, जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, इसी तरह से बॉक्स लीजिए। अपने एक कांटे को गर्म कीजिएगा और गर्म करने के बाद उसमें इस तरह से छोटे छोटे होल बना लीजिएगा। जैसे मैंने पूरे बॉक्स पर इस तरह से बनाए हैं, इसी तरह से आप कांटे को गर्म करके पूरे बॉक्स पर छोटे छोटे होल बना लीजिएगा। और होल बनाने के बाद मैं बताती हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हो, किस तरह से आप अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉक्स को खोलेंगे और इसमें 2 चम्मच के बराबर हम डाल देंगे नमक। जो भी नमक आप इस्तेमाल करती हैं वो नमक आप इसमें डाल सकती हैं। फिर एक शैम्पू का पाउच ले लीजिए और शैम्पू का पाउच लेकर आप सारा शैम्पू, एक पाउच के बराबर, ज़्यादा नहीं, एक पाउच के बराबर शैम्पू आप सारा इसमें नमक के अंदर डाल दीजिएगा, जैसे मैंने डाला इसी तरह से। इसके बाद चम्मच से इसको हिला लीजिएगा जिससे ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, शैम्पू और साबुन अच्छे से मिक्स हो गया है। और मिक्स होने के बाद आप ले लीजिए 6 से 7 पत्ते तुलसी के। तुलसी के पत्ते जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और इनकी जो महक होती है उससे मक्खी मच्छर बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। तो हम तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जो मैंने ये नमक और शैम्पू का मिक्सचर बनाया था उसमें हम इसको डाल देंगे और डालने के बाद चम्मच से अच्छे से हिला देंगे जिससे ये मिल जाए। और मिलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका ये घोल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद बॉक्स को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद देखिए मैं बताऊंगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। घर में इतनी बारिश हुई है, मतलब सब जगह ही बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और घर में इतने चींटी मक्खी मच्छर हो गए हैं कि जरा भी बैठो इतने चींटी काटने लगती है, मच्छर काटने लगते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी हो गए हैं। तो इस तरह से बॉक्स में आप ये मिक्सचर बनाइएगा और घर के कोने कोने में रख दीजिएगा। आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर नहीं होंगे और ना ही मक्खियाँ आएंगी, और जो भी मक्खी होंगी वो इसकी महक से दूर भाग जाएंगी और साथ ही आपके घर में एकदम धीमी धीमी महक भी फैल जाएगी। तो इस तरह से मक्खी मच्छर और चींटी कॉकरोच किसी को भी भगाने के लिए बहुत ही अच्छा सा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया और एकदम घरेलू। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये आपका बिल्कुल घरेलू, आप किचन के सामान से इस तरह से बना सकती हैं और अपने घर में मक्खी मच्छरों को दूर भगा सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप से देखिए, ये कॉयल है, ये भी मच्छरों को भगाने के लिए होती है। हम अक्सर जलाते हैं क्योंकि घर में इतने मच्छर होते हैं। तो मैं बताऊँगी कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद इसके कभी कभी कई टुकड़े हो जाते हैं, सही से टूटता नहीं है। और टूटने के बाद क्या होता है, जब इसके कई टुकड़े हो जाते हैं तो ये बेकार हो जाता है, तो हम इसको फेंक देते हैं कि भाई ये बेकार हो गया। तो मैं बताऊंगी कि आपका अगर कॉइल टूटते समय ज़्यादा टूट जाता है तो आप उसका क्या कर सकती हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घर के सामान से ही इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये कॉइल तोड़ी लेकिन टूटने के बाद कुछ इस तरह से टूटी है कि इसके टुकड़े टुकड़े ही हो गए। मैंने बहुत कोशिश की है, पूरी साबित निकला लेकिन नहीं निकली। तो इस तरह से ये हमें लगता है कि हमारे लिए बेकार हुई है। हमारे पास स्टैंड में ये इस तरह से लगाएंगे तो लग नहीं पाएगी क्योंकि इसमें छोटा सा छेद था वो जो टूट गया है। तो मैं बताऊँगी कि अगर आपके पास इस तरह के टुकड़े हैं तो आप किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकती है और अपने घर से मच्छरों को दूर भगा सकती है। तो इसके लिए आपको बस किचन से ही सामान लेना है, थोड़ा सा अपने घर के बालकोनी से चिमटियाँ लेनी है। तो देखिए, ये मैंने पकड़ लिया। पकड़ से हम अक्सर अपने फ्राई पैन को उतारते हैं, कढ़ाई को उतारते हैं, लेकिन पकड़ में आप कॉइल को जलाकर भी लगा सकती है। तो देखिए, इस तरह से हम कॉइल को जलाएंगे, जो टूटा हुआ हमारा कॉइल था उसको हम जलाएंगे तो हमारे पकड़ में लगाने के बाद जलने का डर भी नहीं रहेगा क्योंकि ये स्टील की है। और ये हमारे कपड़े सुखाने वाली चिमटियाँ, इन चिमटियों पर भी हम कॉइल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी टूटी हुई कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, इनको हम फेंक ही देते हैं, तो इनको आप कभी मत फेंकिएगा। आप इसको इस तरह से अपनी चिमटियों में या अपनी पकड़ पर लगा कर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस तरह से आप लगाएंगी तो आपके घर में कोई भी चीज़ जलने का डर भी नहीं रहेगा क्योंकि ये जो चिमटियाँ हैं ये लोहे की हैं और पकड़ जो होती है वो स्टील की होती है। तो इस तरह से कभी भी कॉइल आपकी अगर टूट जाती है तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकती हैं, इसको
फेंकिएगा नहीं। देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा और आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगा, क्योंकि हम अक्सर इनको फेंक देते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और साथ ही हमारे लिए खुशी भी होगी कि भाई हमने जो गिरी हुई कॉइल थी उनका इस तरह से इस्तेमाल किया है। तो आपको ये कैसी लगी टिप्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये देखिए फेविक्विक है। फेविक्विक जो होती है हम टूटी हुई सामान को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, और ये अगर हमारे हाथ पर या कहीं भी स्किन पर चिपक जाती है या लग जाती है तो वो हिस्सा चिपक जाता है, इस तरह से छूटता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, हम ज़बरदस्ती उसको छुटाते हैं तो कभी कभी हमारी खाल भी जो है छूट जाती है या हमारे हाथ में एक छोटा सा घाव भी हो जाता है। तो मैं बताऊँगी कि अगर आपकी ये फेविक्विक हाथ पर लगी तो किस तरह से छुटा सकते हैं। देखिए मैंने हाथ पर थोड़ी सी फेविक्विक लगाई और देखिए अच्छे से ये चिपक गया है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपकी उंगली पर ये फेविक्विक चिपक जाए, आप अपने घर से एक चम्मच लीजिए नमक, कोई भी नमक जो आप खाती हैं, चाहे सेंधा हो चाहे सादा हो, और नमक को देखिए उंगलियों के बीच में इस तरह से डाल दीजिएगा, और डालने के बाद थोड़ा सा उसको धीरे धीरे इस तरह से रगड़िएगा। बहुत ज़्यादा मत रगड़िएगा, बस धीरे से रगड़िएगा। दो बार मैंने ये नमक डाला और धीरे धीरे से इसको रगड़ा है, और रगड़ने के बाद देखिए कितनी आसानी से उंगली एकदम अलग हो गई। आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी भी फेविक्विक से अगर आपकी हाथ की उंगली चिपक गई हो तो आप तुरंत लीजिए किचन से नमक और नमक लाकर इस तरह से रगड़िएगा, आपकी हाथ की उंगलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है। अक्सर हमारे हाथ पर ये फेविक्विक चिपक जाती है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी घाव भी हो जाता है। तो ये तरीका अपनाएंगे तो आप कभी भी फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ में ना तो घाव होगा ना ही आपका हाथ चिपकेगा। तो कैसी लगी सारी टिप्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।